एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं हिबा की फ्रेंड की बहन की शादी। हिबा इधर तो आ। तो हिबा बताएगी कि इतनी एक्साइटेड है आज के दिन के लिए। मैं लग रहा है जबरदस्ती कहलवा रही हूँ मैं। आज ये जो का सूट पहनने वाली थी ना अपना, नहीं पहन नहीं क्यों नहीं पहन रही? नहीं, मैं वो क्यों पहनूंगी? फिर क्या पहन रही है? बोर हो गई। हाँ, उसने सिर्फ पहन के देखा था, कहीं नहीं गई, लेकिन इसने इतने सारे वीडियो और फोटो बना लिए उस वाले ड्रेस में। इसका पहनने का मन ही नहीं कर रहा वो, कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बना लिए। आप ही की वाली जो रील थी वो भी इतनी ज्यादा लोगों ने देख ली, इतनी ज्यादा वायरल हो गई, तो ये वैसे ही। मैंने तेरे लिए कुछ स्पेशल निकाला है। कैसा? ए गाइस, मैंने पहले बनवाया था लेकिन कभी पहना नहीं। ये इनकी नजर बहुत टाइम से थी इस पे, मेरी ड्रेस पे। लेकिन क्या, देखो बहुत ही प्यारा गाउन है, मतलब इतना ठंडा रिएक्शन। हट, ओह माय गॉड। अच्छा। भाई ये पहन लेगी, इसके साथ ऊपर से कोटी है। बहुत ही प्यारी ड्रेस है ये मेरी, इतने मन से बनवाई थी अपने बर्थडे के लिए बहुत पहले, लेकिन किस्मत में नहीं था मेरे ये। पहन लेगी आज, इसके साथ वो कोटी दिखा इसकी। ये ईरम ने सिला था बाय द वे, जब ईरम की शादी भी नहीं हुई थी तब ये मैंने बनवाया था उससे। और ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्रिटी है। इसका ये पहनेगी, दो कोटी बनवाई थी मैंने इसकी, एक ये है और एक ना फुल स्लीव्स की है। ये हाफ स्लीव्स की कोटी है, बहुत ही प्यारी, फुल स्लीव्स की है। फुल तो ये है इसके साथ, इतना प्यारा लगता है मुझे ये। मतलब इसको आज पहना था और ये बन 4 साल पहले गया। चांदनी चौक से मैंने फैब्रिक खरीदा था और ये मेरी बहन से मैंने बनवाया था। कोई बात नहीं, चलो जिसका नसीब उसको साजे। अब इसकी टेंशन हो गई होगी, इस पे इयररिंग्स और जूते क्या पहनने हैं, है ना। मतलब कुछ भी मिल जाए इंसान को, इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। वो देखो क्या हो गया भाई, जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश में भी इतनी मेहनत करके हम पूरा मार्केट घूमे लेकिन कुछ नहीं मिला, तो हिबा ने वो ड्रेस पहनना कैंसिल कर दिया। वो कुछ और पहनेगी, क्या पहनेगी वो मैं दिखा दूंगी। पूरी मार्केट छान ली मैंने अपने यहाँ की, लेकिन मुझे मेरी टाइप की सैंडल नहीं मिली जो मुझे चाहिए। मौसम इतना ठंडा ठंडा हो रहा था, 1 मई और इतना ठंडा मौसम, ने चौमिन खाई थी उनके लिए ये सेट खरीदा था, एक कार्ड दे दिया था, मैं डिटेल में नहीं दिखा पाई। देखो मैं रेडी हो गई और बाकी ये लोग भी मेकअप शेकअप कर ही रहे हैं और मैं जा रही हूँ पार्लर हेयर स्टाइल बनवाने। होपफुली कि वो लोग फ्री हों और बना दें। बिल्कुल सिंपल अपनी जो मेरा वो था उसका ड्रेस पहना है मैंने, ग्रीन वाला। मेकअप कर लिया है, बताना। ये मैं पहुंच गई, अभी मैंने बता दिया है कि कैसे होना है, ना समझ गई ना आप। अभी मेरे बाल हो जाएंगे, तो क्योंकि आउटफिट है मेरा बहुत सिंपल है इसलिए मैं लुक थोड़ा हैवी चाह रही हूँ। आप फेमस हो गए कटिंग करके मेरी। काफी लोग आए थे यहाँ, तो आपके यहाँ कराने आए, मैंने कहा हमारे यहाँ। सही है फिर तो, खुले वालों में टीका टिक जाए, बस में टिक जाएगा, बस यहाँ पीना पड़ेगा। मैंने खुद बनाया है घर पे, होंगे ना अभी तो। ये फाइनल लुक और मैं घर आ गई, ये लोग तैयार ही नहीं हुए अभी तक। कैसी लग रही है? देखो हिबा, इल्मा, देखो मैं, हम तीनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पहने हैं हमने, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। फाइनली निकल गए हम लोग, पहुंच गए हैं हिबा के। गाइस हम पहुंच गए हैं, हिबा कैसा लग रहा है? बढ़िया, मेरे सारे कर्ल्स खुल गए यार। कौन सी वीडियो? नर्सरी वाली भी जाऊँ, मीनार से चढ़ी थी। कैसी लगती है वीडियो? बहुत प्यारी लगती है। अरे वाह, प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर मिल गए मुझे तो यहाँ पे। उसके बाद जो लोगों का मिलना मुझसे शुरू हुआ है ना, मतलब मुझे आज लगा कि मुझे इतने सारे लोग जानते हैं, सच में मुझे इतना प्यार दिया सबने वहाँ पे, मैं सबसे मिलती ही रही। यहाँ तो बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल गए मुझे मेरे। अच्छा लगता है जब आप लोग कहीं पे भी पहचान लेते हैं, कहीं पे भी मिलने लगते हैं, फोटो लेने लगते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ अब हम कुछ खा लेते हैं, गोलगप्पा और समथिंग समथिंग। यहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है, हम लोगों ने एक स्टार्टर खाया जो था क्या चाट, कोई चाट थी वो खाई। मन कर रहा है मेन कोर्स खाने का सबसे पहले, और अम्मी यहाँ बैठी हुई है, लोग कुछ मेन कोर्स खाएंगे। हमने यहाँ पे लिया थी और बारिश का मौसम था, अम्मी के लिए मेरा सेट दिखा। मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो टीका है मैंने बनाया है ना कस्टमाइज, ये आपको कैसा लग रहा है? जो तो बहुत प्यारा लग रहा है, ये था झुमका लेकिन मैंने इसका टीका बना दिया। हिमा, हिबा और अलीशा गई है कुछ मेन कोर्स में सब खाने के लिए लेने, बाल कर्ल थे सारे खुल गए। और अम्मी बैठी हैं ये, और अम्मी बहुत प्यारी लग रही हैं। अम्मी ने ये वही सूट पहना है। ओहो, नई चूड़ियां कब मंगाई तुमने? अम्मी ने वही सूट पहना है जो मैंने ईद पे बनाया था, ईद पे पहनने के लिए, लेकिन अम्मी ने पहना नहीं था उस वक्त, भी पहना है। अच्छी लग रही हो। ये देखो मेरी प्यारी छोटी छोटी सी सब्सक्राइबर्स यहाँ पे भी मिल गई है मुझे। बिना खा लिया? मैं अभी तो आया हूं। अभी आए हो तो कब खाओगे? चलो खाना बिना खाओ, और कुछ ज्यादा अच्छा लगे तो मुझे भी खिलाना। तुम्हारा सोया
खा लिया, खाना खा लिया? सबसे यही पूछ रही हूँ मिलते ही। हाँ खाली हाथ क्यों आ रहे हैं? जी खिलाड़ी जो खाना नहीं ला पाए, अब हम खुद जा रहे हैं स्वयं। प्लेट लेके घूम रही हूँ, मुझे खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बहुत देर हो गई। ओहो हवा तो देख कैसे चल रही है ब्लॉग के हिसाब से। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मिले जो मुझे जानते हैं। सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि अर्शी आप कैसी हो। मैं कहती हूँ मेरा हाल तो मैं सभी को बताती रहती हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान बहुत ही प्यारी ब्लैक साड़ी। तो यही कि सब लोग ब्लॉग में नहीं आते हैं, मुझे बता देना क्योंकि मुझे मेहनत करनी पड़ती है फिर उसको ब्लर करने के चक्कर में। यह है कि मैं खाने की प्लेट लेके जा रही थी तो सबसे मिलते मिलते वो ठंडा हो गया। हमारी चाची आपकी चाची आपकी, हाँ तो इनसे भी मैं बहुत सालों बाद मिली हूँ। मेरी वीडियो देखती हो ना, अच्छे लग रहे हैं। जब तो सब्सक्राइब कराए, सब्सक्राइब किया है तभी तो। मेरी प्यारी सोहा, सोहा स्माइल करके तो बताओ अर्शी काला से कितना प्यार करती हो तुम, बता दो। चलो चलो बहुत सारा सच्ची में। ये हो रही थी दुल्हन की एंट्री, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो, लेकिन मैं इतने करीब जाकर नहीं दिखा पाऊंगी आप लोगों को, उनकी भी प्राइवेसी होती है। तो ये है मिसेस आजाद, तो आपको शादी बहुत मुबारक हो। गया हमारा शादी खाना हमारा सब मिले लो, मिले लो। तो हम लोग निकल रहे हैं, कह रहे हैं वो ब्लॉग मिले लो हमें भी। कहाँ है? चलो हमने हमारी कैब कर ली है, कैब मिल गई हमारी। भैया बस 2 मिनट रुक जाएंगे। चलो हालत बिल्कुल खराब हो गई, लेकिन यहाँ मेरे खाया कम है मिला ज्यादा है लोगों से, बहुत सारे लोग मिले और हम आए थे यहाँ स्टार हेरिटेज में। ओ भाई साहब पहुंच गए हम लोग घर, और बस आते ही मुझे कुछ भी नहीं सोच रहा, मेरा मन कर रहा है कि बस सब कुछ उतार दूं, कि टीका शीका की पिन। मैंने ना सच में वहाँ कुछ खाया नहीं, तो हम लोग चीज लेकर आए थे, मतलब वहाँ पे मैं इतना खा नहीं पाई, सबसे मिलने मिलने में ही रह गई। चीज लेकर आए बहुत सारी, हम बहुत सारी चीज लेकर आए, ड्रिंक चिप्स वगैरह। पीछे तो हो रेडी, तो आप लोगों के सामने नहीं हुई, अनरेडी हो जाती हूँ ले लेकर टीका। कितना अच्छा लग रहा था ना ये टीका। अच्छा मुझे वहाँ पे सारे लोग मिले और सब लोगों ने यही कहा कि तुम व्लॉग में बहुत हैवी और मोटी दिखती हो, वैसे तुम बहुत पतली सी हो। यार क्या करूँ मैं फिर अब इस मोटापे का कैमरे के। कितना प्यारा लग रहा था ना ये, बहुत ही अच्छा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये लैशेज मुझे इतनी पसंद आई मेरी, है ना अच्छी, बहुत ही नेचुरल है और मुझे बहुत रीजनेबल मिली थी। अब मैं इनको उतारने वाली हूँ, चलो आप लोगों के सामने उतारती हूँ। बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं मेरे। ये देखो लेंटर लेंटर लेंटर, हाँ जो भी है लेंटर लेंटर। हाँ मैं चेंज कर लेती हूँ। तो गाइज ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है हमारे कमरे की, ये थोड़ा चेंज कर लेती हूँ कमरे की हालत ठीक करके। ये चीज भी जो हम लेकर आए वो खाएंगे, चिप्स और कुरकुरे समथिंग समथिंग यही मिल पाया थी रात में। तो बस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, कैसा लगा आपको ब्लॉग मुझे कमेंट में बताना, और इल्मा हिबा कैसी लग रही थी, अम्मी सब कैसे लग रहे थे सब बताना, और ब्लॉग में सबसे अच्छा आपको क्या लगा। आज बहुत सारे लोग मिले मेरे को, आज लगा कि मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। तो गाइस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, कमेंट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय।